नेक्स्ट माई बी पेरेंट्स मीट कमिंग ये इन वर्ड्स को हमें रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके एक सेंटेंस बनाना है जो मीनिंगफुल होना चाहिए फाइन तो देखो हम बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना हमारा अजर्टिव और फॉर्मेटिव में वो होता है कि वी शुड हैव अ सब्जेक्ट वी शुड हैव अ वर्ब और वर्ब के अकॉर्डिंग ट्रांजेटिव और इन ट्रांजेटिव वर्ब के अकॉर्डिंग वी शुड हैव एन ऑब्जेक्ट ठीक है तो देखो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वर्ब होगी सिंगलर सब्जेक्ट सिंगलर वर्ब प्रल सब्जेक्ट प्रल वर्ब राइट तो अब है ना हम इस इन जो वर्ड्स गिवन है इसमें सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं देखो आई सॉ पेरेंट्स मैंने पेरेंट्स देखा और मुझे माई भी दिखा ठीक है तो इन दोनों को एक बार लेके देखते हैं पहले एज अ सब्जेक्ट इनको बना के देखते हैं क्योंकि बात पेरेंट्स से रिलेटेड ही हो रही है तो मेरे पेरेंट्स अब ये अगर सब्जेक्ट बन जाएगा तो हमारे पास वर्ब हमें चाहिए तो वर्ब हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब गिवन है, है और वो हो जाएगी ये बी ठीक है तो विल और विल के बाद बी बी के बाद देखो यहाँ पे ना कमिंग गिवन है ठीक तो है तो क्या हो जाएगा विल बी कमिंग कौन सा टेंस हो गया ये ये हो गया हमारा जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है माई पेरेंट्स विल बी कमिंग ठीक है माय पेरेंट्स विल बी कमिंग वेयर माय पेरेंट्स विल बी कमिंग टू मीट टू मीट अब जो डू मीट है ये भी वर्ब है ठीक है बट ये यहाँ पे वैलिड uh, नहीं थी अगर यहाँ पे हम लिखते हैं तो विल और बी फिर हम आगे नहीं लगा पाते राइट तो माय तो ये अब किसका काम करेगा इनफिनिटिव का काम करेगा का तो माय पेरेंट विल बी कमिंग टू मीट किसको मुझे तो मीट मी नेक्स्ट वीक जो नेक्स्ट वीक है वो लास्ट में आ जाएगा अगले

आज ही डाउनलोड करें डाउट नट या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर